भारतीय कबड्डी टीम गोल्ड मेडल लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। गुरुग्राम के खेल प्रेमियों ने ढोल नगाड़े से उनका भव्य स्वागत किया और मालाओं से दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। पद्मश्री डॉक्टर सुनील डब्बास और धर्मेंद्र फौजी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। सभी खिलाड़ियों का धर्मेंद्र फौजी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। धर्मेंद्र फौजी का कहना है कि खिलाड़ी देश की आन बान और शान है, जो विदेशों में जाकर भारत का झंडा बुलंद करते हैं। आज पूरे खेल प्रेमी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया है कि भारत ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतकर अपना खोया हुआ सम्मान दोबारा पाया है। मैच हार गए तो काफ़ी अच्छी उपलब्धि है। दोनों मैच खेलना, दोनों मैच जीतना है सबसे बड़ी। अभी गोल्ड मेडल लेके आए, कितनी खुशी महसूस हो? खुशी मुझे भी उतनी है, पूरे देश को भी उतनी है कि वापस हमारे पास जो गोल्ड था हमारा था वो हमें वापस मिल गया। मेहनत कितनी करनी पड़ी है आपको? मेहनत कंटिन्यूस कैंप चली हुई है हमारे, तो कैंप से डायरेक्टली हम कोरिया गए हैं, तो मेहनत का तो हम बताएंगे, सबको हम बताएंगे सब के लिए। चैलेंज कितना रहा? चैलेंज यंग टीम की, चैलेंज बिल्कुल भी नहीं, यंग टीम की, यंग टीम को ज़्यादा बताने की जरूरत करते हैं, काम अपने आप करते हैं। जो हमें प्रैक्टिस में बताया था वैसे ही हमने काम किया। आपने भारत की आन जान शान को विदेशों में बढ़ाया, आप जो नए पीढ़ी के युवा हैं उनको क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करते रहे कंटिन्यू, और मेहनत से बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, मेहनत करोगे सफलता अपने आप मिलेगी। धन्यवाद। जुड़े हैं और आर्मी से भी जुड़े हैं, एक सैनिक होने के नाते और हमारे जो बच्चे हैं मैक्सिमम गांव से आते हैं जो कबड्डी प्लेयर हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूँ 11वीं एशियन चैंपियनशिप जीतने पर। सेलेक्टर्स को खासकर बधाई के पात्र हैं वो, जिन्होंने एक अच्छी टीम का सिलेक्शन किया, उनके कोचेज जिन्होंने बहुत मेहनत कराई उन खिलाड़ियों को, और आज उन खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का परचम फिर से लहराया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पिछला हम एशियाड में जो मेडल था वो हार चुके थे, तो एशियन चैंपियनशिप में दोबारा से अपनी बादशाहत हमने साबित की है, और हमारे खिलाड़ियों ने पवन कुमार जी जो उसके टीम कैप्टन हैं और उनके अध्यक्षता में जो टीम गई और जितने कोचेस थे उनकी जो मेहनत थी, उनकी लगन थी, उनकी एक एकाग्रता थी बच्चों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति, उनको पूरा अच्छी से